छत्तीसगढ़ के पखांजूर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोयलीबेड़ा में एक दिन में कोरोना के 11 मरीज मिलने के बाद ग्राम पंचायत और व्यापारियों ने क्षेत्र में 3 दिन का लॉकडाउन किया है। कोयलीबेड़ा क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ कोरोना के 24 घंटे में 11 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए बांदे ग्राम पंचायत और व्यापारियों ने 3 दिन तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान को बंद रखने का आह्वान किया है, जो कि समाज की एक अच्छी पहल मानी जा रही है। इस मामले में जहां एक तरफ समाज जागरूकता दिखा रहा है, वहीं बांदे में बैंकों में लापरवाही चरम सीमा पर नजर आ रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ क्या है कि एक माने टेलर के घर से वो जहाँ पे मतलब कोरोना के जो एक पॉजिटिव जो मिला है उनका घर में गए थे, उस कारण से बाजार बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा और भी आगे बढ़ सकता है कोरोना का पॉजिटिव जो है, इसलिए हम लोग सतर्क के रूप में पूरा बंदे बाजार को बंद कर रखे हैं 3 दिन के लिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।